मुजफ्फरनगर जिले का घनसनी गांव यहां की एक फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी के कारण गंभीर बीमारियों को लेकर गांव में पहुंचता है, लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों की मांग है कि फैक्ट्री से आने वाला दूषित पानी वहां लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करके छोड़ा जाए, क्योंकि इस पानी से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी गाँव में अपने पैर पसार चुकी है। जी बताइए, नाला कहाँ से आ रहा है? ये तितावी सुगर मिल से निकल के आ रहा है, इंडन नदी में जाके गिर रहा है। ये नरवाई का नाला है जी। इसमें मिल वाले ने अवैध पानी नाला मिल वाले का ही नहीं, नरवाई का नाला है जी। अवैध पानी चल रहा है और जो भी गंदा पानी अंडरग्राउंड करवा दो। मैं मतलब नहीं इस बात, अंडरग्राउंड करवा दो। अंडरग्राउंड करके कह रहे पानी को, वहीं से बस फिल्टर करके कह रहे हो ना पानी को। देखा कैसी मकड़ा अंधारी, देखो आप तो गंदगी देखो कैसी सूंघ है, बहुत बुरी है। ग्राम प्रधान धनसनी दिल्लो, हमारे गांव में समस्या है तारों की। एक तो बिजली के तार नहीं बदलने को, और मैं कभी टूट के गिर जा जी। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी बहुत खराब हो गया। इंडन नदी पास में है, बिल्कुल नजदीक है नील का नाला, इससे पानी बहुत प्रदूषित हो रहा, बीमारियाँ बहुत बढ़ गई। ना नल के दे रहे, टंकी का आता पीछे से टंकी, हमने जमीन भी कह दी थी ले लो, पर टंकी लगा रहे। अब क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? गरीबों के मकान नहीं बन रहे, बहुत गरीब के हैं नीचे, नल के मकान नहीं बना रहे। सर्वे करके ले जा, आता कुछ स्टार्ट बोली। मैं ग्राम प्रधान धनसनी बिल्लो, जो जो मेल का गंदा पानी आ रहा है, इससे पांच आदमी तो मर लिया, दस पांच आदमी तो और बीमार हो रहे। इसका पानी ने सारा पानी खराब कर दिया गांव का, इससे कोई सुनने वाला नहीं है। सब मेल वालों को भी कह लिया इसे अंडरग्राउंड कराओ, कोई नहीं सुन रहा। इससे बहुत नुकसान हो रहा, बीमार हो रहे लोग, कैंसर के बीमार हो रहे। कैंसर हो रहा? कैंसर बीमारी फैला रहा है पानी। हाँ, हाइपोटेंशन सी घातक बीमारी पैदा हो रही है इस पानी से। एक सरकार कह रही बिजली के ऊपर मीटर तो लगाने लग रही जी, मीटर तो जी मीटर लगा लगी, गरीब आदमी समर सेविल नहीं कर सकता जी। समर सेविल करेगा बिजली का बिल क्यों कर देता? हीटर हीटर चल रहे, सरकार ने कह दिया सिलेंडर चल गए सब गरीब पे। मेरे गाँव में गरीब पे देखो, दस गरीब पे सिलेंडर नहीं आया, पूरे दस सिलेंडर हो ही नहीं। गरीब आदमी का हर का हीटर धरा, मीटर अगर गरीब आदमी का लग गया तो क्या हालत होगी, वो मीटर का बिल दे देगा? कह रही सरकार सबके घर में सिलेंडर पहुंचा दे, सिलेंडर दस तो फालतू मेरे गांव में आई नहीं, इसकी जांच करवा लो। फार्म पूरे गांव के भरे गए, सिलेंडर आया नहीं और मीटर लगाने लग रही सरकार। मैं सोच तो लो पहला, तार बदल नहीं रही, तार इतने पुराने हो रहे, गिरन लग रहे टूट टूट। एक किसानों की सब, अरे गाँव में सब ज्यादा समस्या है, बिल बढ़ा दिया उसके बिल लो के, वही तो बिल 100 बीघे वाले पे और वही बिल 10 बीघे वालों पे। तो सरकार सोच ही नहीं रही कुछ, किसानों की वोट है, मजदूरों की वोट है, गरीबों की वोट है,